तो मैंने फाइनली भाई वो साइकिल वो तैयार कर ली है। तो आप देख सकते हो इसमें मैंने मोटर फिट कर दी है, जो बाइक की 4LB और 5L की बैटरी है उसको मैंने लगाई। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नवीन बाइक फीचर पर। तो दोस्तों आज की वीडियो बाइक मॉडिफाई को लेकर नहीं, बल्कि हम आज जो साइकिल है उसको इलेक्ट्रिक बनाएंगे। अभी साइकिल भी वो पुरानी नहीं बैठेंगे, हम नई साइकिल लेकर उसको हम इलेक्ट्रिक साइकिल बनाएंगे। उसका लिए हमने पहले से किट है वो खरीद लिया है। पहले हम दो साइकिल है वो नई लेकर आएंगे, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा, हम उसमें क्या क्या चीज चेंजिंग करेंगे, कितना का बजट आएगा। तो चलते हैं, हम पहले साइकिल खरीदते हैं। तो दोस्तों हम फाइनली साइकिल की दुकान पर पहुंच चुके हैं। तो ये भाई लग रहा है बाइक की पेंचर निकाल लें और यहाँ पर साइकिलें खड़ी हैं। तो हमारी वाली साइकिल कौन सी है आपके मन में ये जहन होगा। तो आपको सबसे आगे चौड़े टायर वाली साइकिल दिख रही है, ये हमारी साइकिल है जो हम खरीदने वाले हैं। तो ये है कि हमने पहले से ही बुक करा ली, तो इन्होंने मंगवा कर दिए। तो ये आप देख सकते हो इसके जो टायर है उसकी साइज़ देखो आप, बहुत काफ़ी बड़ी है। दोनों टायर दोनों डिस्क ब्रेक आगे पीछे का, सिंगल सीट की ये साइकिल है। इसको हम बनाने वाले हैं इलेक्ट्रिक साइकिल। तो आपके लिए तो ये अलग ही बात होगी, क्योंकि आपने ऐसी अभी तक बाइक साइकिल नहीं देखी होगी इलेक्ट्रिक। तो भाई आप लेकर चलो साइकिल अपने शॉप पर, वहाँ इसको बनाएंगे इलेक्ट्रिक। तो भाई पहली बार चला रहा है ये भी। दोस्तों फाइनली हमने जो साइकिल खरीदी है वो अपनी शॉप पर लेकर आ गए। आप देख सकते हो इसका जो आगे का डिस्क ब्रेक है वो मुझे बढ़िया लगा, क्योंकि आगे का डिस्क ब्रेक इसका बढ़िया क्वालिटी का दिया हुआ है। तो हमारा जो मेन मकसद है साइकिल बनाने का वो है इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने का। इसका जो मेन इलेक्ट्रिक साइकिल हम किस तरह इसको अंदर मोटर फिट करेंगे, इसकी टायर की चौड़ाई भी बहुत काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें मेन चीज़ ये ध्यान रखना है, जो पीछे का टायर है इसका, इसके अंदर हमें ये फ्लाईव्हील है जो गरारी चेन वाली, ये फिट करनी है। क्योंकि आगे के टायर में हम फिट करेंगे तो उसमें गैप कम आता है, तो हमें ये गरारी पीछे के टायर के अंदर फिट करेंगे। क्योंकि अगर हम सिंगल गरारी से चलाएंगे तो तब हमारी मोटर घूमेगी तो पैडल में साथ भी घूमेगा। तो हमें इस साइकिल को कुल मिलाकर बात यह है, साइकिल को हमें इलेक्ट्रिक भी रखना है और पैडल से भी रखना है। तो हमें ये फ्लाईव्हील है ये इसके अंदर फिट करनी होगी। तो मैं पहले आपको किट दिखाता हूँ उसका किट कैसा है। तो दोस्तों मैंने जो इलेक्ट्रिक साइकिल है उसका किट मंगवा लिया है। तो उसके अंदर मैं आपको दिखाऊँ इसमें क्या क्या आइटम हमको मिल रहा है जिससे हमारी जो साइकिल है वो इलेक्ट्रिक हो जाएगी। तो मैंने एक किट है ये मंगवा लिया है, तो इसको मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ किट को। तो दोस्तों ये किट, इसमें ये जो मोटर उसका स्टैंड है, तो ये है कंट्रोलर जिससे हमारे जो ब्रेक लाइट है, हेडलाइट है, मेन लॉक है, वो जो रेगुलेटर चार्जर सबका कनेक्शन इसी से साथ होगा, ये सबका कंट्रोलर है। तो इसमें ये लीवर दिए हुए हैं, ये दोस्तों ब्रेक लीवर और दोनों साइड के ब्रेक है, इसमें कलर्स तो होता नहीं है, दोनों ब्रेक है। तो इसके दो वायर है प्लस माइनस के, हेडलाइट और इस लाइट के। तो इसमें ये पीछे का जो एक्सल की राड है ये अलग से दी हुई है, क्योंकि उसकी राड छोटी आती है, तो हम इसके अंदर ये फिट भी करा सकते हैं। अगर अलग टाइप से करना चाहो तो अलग टाइप से भी कर सकते हैं। और ये इसके साथ गरारी आई है,
जो पीछे की टायरें फिट होगी तो ये गरारी फिट करेंगे। और ये इसकी की दी हुई चाबी लॉक है ऑन ऑफ के लिए। इसमें भी दो वायर है जो इसका सर्किट उस कंट्रोलर के साथ है। और ये है इसकी इलेक्ट्रिक मोटर जिससे हमारी जो साइकिल है इलेक्ट्रिक बनेगी। इसको आपको मैं चला कर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक मोटर है बैटरी के। इसमें हमें दो बैटरी लगाएंगे, ये छोटे साइज़ की 5 LV की, इसके अंदर 9 LV की बैटरी लगेगी वो भी डबल। इसके दो वायर है, इसका भी कंट्रोलर के साथ ही कनेक्शन होगा फिर बैटरी के अंदर जाएगा। तो इसकी ये चेन आई साथ में एक चार कुछ स्क्रू दिए हुए हैं। और ये इसका चार्जर भी है जो बैटरी का चार्जर है, हमें पलक में डायरेक्ट लगा सकते हैं इसको, वैसे अलग से चार्जर नहीं खरीदना पड़ेगा। ये इसका जो 2 पिन का चार्जर है ये हम बैटरी के साथ लगाकर इसको चार्ज कर सकते हैं। स्टैंड है वो ये इस तरह लगेगा, यहाँ पर स्क्रू दिए हुए हैं तो स्क्रू इसके अंदर है, यहाँ पर इस तरह लग जाएगी मोटर। तो चलो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हम साइकिल में किस तरह इसको फिट करेंगे। तो जल्दी से हम इसको फिट करते हैं।
दोस्तों मैंने इसका जो फिटिंग है ब्रेक एक्सीलेटर सब चीज की फिटिंग कर दी है, हेडलाइट फिटिंग कर दी है, यहाँ पर पीछे मैंने मोटर लगा दी। तो इसका कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर है, तो हम इसका जो कनेक्शन है वो कैसे, इसकी वायरिंग है वो कैसे करते हैं वो आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले इसका मेन सॉकेट है, ये मीटर का है मेन लॉक का, इसका मेन लॉक का ऑन ऑफ कनेक्ट यूज है। तो इसका कनेक्शन इसके साथ होगा, ये ब्लू और रेड पिन के साथ कर देंगे हम। तो इसका हमने कनेक्शन कर दिया है। अब हमारा जो मीटर का वायर है इसमें डबल है, तो दोनों वायर का कनेक्शन किसके साथ करना है, इसका जो ये डबल पिन की सॉकेट है उसका कनेक्शन हमें करेंगे ये ब्लैक पिन में, रेड और ब्लैक के वायर साथ। और इस पिन का कनेक्शन हम करेंगे जो एक्सीलेटर वायर है, एक्सीलेटर का इसमें क्या तीन वायर है, तो तीन वायर का कनेक्शन हम इसके साथ करेंगे। इसके अंदर तीन सॉकेट की एक पिन दी हुई है, ये ब्लू ब्लैक रेड, तो इसमें हम लगा देंगे। ये हमारा एक्सीलेटर के जो पिन है उसका कनेक्शन भी हो गया। अब हमारा कनेक्शन बचा है, एक तो बचा है इसका हॉर्न का, हॉर्न का पिन का वायर इसकी दो पिन में लगा देंगे डबल पिन में। इसका ये मेन लॉक का हमने खरीद दिया। इस ब्रेक लाइट जो पिन है उसका डबल वायर था, मैंने डबल को सिंगल में जोड़कर एक पिन बना दिए। तो इसका ये सॉकेट है डबल पिन की, वो हम लगा देंगे इस वायर में नीली सॉकेट में। तो हमारी जब ब्रेक मारेंगे तो लाइट है वो जलेगी। अब हमारा दो ही कनेक्शन बचा है, एक तो बैटरी के साथ दूसरा मोटर के साथ। तो मोटर का कनेक्शन आप देख सकते हो, मैंने डबल सॉकेट के पिन एक्स्ट्रा लगाई है, इसके साथ पिन नहीं आई है रेड और ब्लैक, तो वो हमें लगाना है ब्लू और वाइट कलर की पिन सॉकेट के साथ। तो इसको हम ये से फिट कर देंगे। अब आप देख सकते हो हमने सारी वायरिंग कर ली, तो मैं इसको अच्छे से फिट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा इसका जो बैटरी का कनेक्शन है वो हम कैसे करें। ब्रेक थोड़ा सा ठीक है, वीडियो मारो।
मैंने फाइनली भाई वो साइकिल है वो तैयार कर ली है। तो आप देख सकते हो इसमें मैंने मोटर फिट कर दी है, तो बाइक की 4LB और 5L की बैटरी है उसको मैंने लगाई इस साइकिल के अंदर। तो इसकी वायरिंग मैंने पूरी फिट कर दी है। ये जो साइकिल है वो 30 की स्पीड में आराम से चलती है, बिना कोई एक बार चार्ज करने पर 30 किलोमीटर आराम से चल जाती है। तो इसकी जो कैपेसिटी है और दोस्तों इसकी जो वायरिंग है उसके बारे में मैंने आपको फुल डिटेल से बता दिया वीडियो के अंदर। इसका जो कंट्रोल है उसमें कौन कौन सी पिन हमें लगानी है, एक्सीलेटरी पिन कौन सी है, हॉर्न की पिन कौन सी है, हेडलाइट की ऊपर ये दे रखा है मीटर, इसके ऑन ऑफ का बटन भी इसके अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर ऑन ऑफ का बटन भी है। यहाँ पर इस पर जो रेड बत्ती है 5 पॉइंट की, तो इसमें हमें पावर जो पावर मिलता है उसका डाउन अप कैसे होता है, मतलब हमारा जो साइकिल का पावर है वो कितना है, कितना किलोमीटर चलेगी और, तो ये सब ये चीज़ बताता है। तो अगर आप भी ऐसी साइकिल खरीदना चाहते हो, अगर बनवाना चाहते हो तो आप इस वीडियो देखकर बना सकते हो। अगर आप ऐसी साइकिल खरीदना चाहते हो तो मैंने जो YouTube की डिस्क्रिप्शन है उस पर अपना जितना भी जो सामान लगा है इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने में, किट, बैटरी, साइकिल की प्राइस, वो मैंने सब YouTube की डिस्क्रिप्शन डाल दी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और इसका एक पार्ट सेकेंड पार्ट मैं बनाने वाला हूँ जिसमें मैं इसको फुल जो वायरिंग है इसकी सही करूँगा और जो इसका बैटरी का अलग से बॉक्स भी बनाऊंगा और कुछ आइटम इसमें मैं और लगाने वाला हूँ। हाँ, तो आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, तो मैं जल्दी आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा इस वीडियो का। तो इसमें मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी, तो ये कितनी स्पीड में चलेगी साइकिल इसका भी मैं आपको बताऊँगा वीडियो के अंदर। और इसमें मैंने और क्या फंक्शन लगाया पीछे की तरफ आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर ये लाइट लगाई पीछे की तरफ जिससे हम ब्रेक मारेंगे जब ये लाइट जलने लगेंगी। मेन लॉक मैंने यहाँ पर फिट कर ही दिया, ये मीटर आप देख सकते हो पास से, ये इसकी वायरिंग भी मैंने फिट कर दी है। इसमें 5 पॉइंट है तो पावर का पॉइंट है, देखो आप मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये जब भी मैं रेस दे रहा हूँ तो ये यहाँ पर पावर है वो एक बत्ती कम हो रही है, तो इसमें इतना पावर है उस हिसाब से चलेगी। तो मैं इसको आपको चला कर दिखाता हूँ, इसका जो फीलिंग आ रही है मुझे, तो आपको दिखाता हूँ इसको चलाने, तो देख सकते हो आप। एकदम स्मूथ ही चल रही है दोस्तों, इसकी जो चलाने की जो स्पीड एकदम स्मूथ है, मतलब एकदम आराम से टाइट नहीं, एकदम हल्की साइकिल चल रही है, तो आपको चलाने का भी आनंद आएगा। और मैं इसकी जल्दी पब्लिक रिएक्शन वाली वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपको कुछ प्रोमेटिंग सीन भी इसके अंदर मिलेंगे। तो इसका जो मतलब तो साइकिल मैंने इलेक्ट्रिक साइकिल में ही है, इसको पब्लिक रिएक्शन कैसा होगा, मतलब लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, इसकी वीडियो मैं जल्दी लेकर आ रहा हूँ। साइकिल में जो इलेक्ट्रिक मोटर फिट की है तो उसको मैंने मेन चीज़ ध्यान में रखा, अगर आपकी जो बैटरी अगर डिस भी हो जाए तो आप पैडल से भी इसको चला सकते हो, देख सकते हो आप मैंने दोनों गरारी फिट की है। अगर आप जैसे चेन में काम लेना हो तो चेन में ले सकते हो, अगर पैडल से मारना तो आप पैडल से भी इसको चला सकते हो। मैं आपको दोनों चीज़ दिखाऊंगा, मैंने देखो ये पैडल से चला रहा हूँ अभी, तो आप देख सकते हो मैंने इसको पैडल से लाया और अब मैं इसकी चाबी ऑन कर इसको मैं जो रेस से चला दूंगा तो मोटर से। तो आप देख सकते हो मैंने इसको जो मोटर का कनेक्शन इसी तरह किया जिससे हमें अगर आपकी बैटरी खराब भी हो तो आप जो आसानी से अपने घर आ सकते हो। अभी इलेक्ट्रिक साइकिल में मोटर फिट करानी है तो आप ये दोनों तरीका अपनाएं, क्योंकि अगर आप केवल मोटर से चलाएंगे तो आपकी बैटरी है वो कम चलेगी,